Question number third. A toy is in the shape of the form of a cone of radius 3.5 cm, mounted on a hemisphere. वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है एक कोन. ये मेरा हेमिस्फीयर हो गया. कह रहा अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस. इसी रेडियस का है. रेडियस क्या है पास 3.5 सेंटीमीटर. इसी रेडियस का कोन इसके ऊपर है. ये रहा कोन. ठीक है. कहते टोटल हाइट ऑफ द टॉय. टॉय की टोटल हाइट कितने हमारे पास. टोटल हाइट हमारे पास कितने 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट दे रखी है हमें. ठीक है. और हमारे पास ये चीज़ कितना है 3.5 रेडियस है. ये 3.5 सेंटीमीटर है. अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3.5 है और पूरा 15 है ये, तो ये कितना हो जाएगा. ये 15.5 है और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा. ये 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट हमारे पास हो जाएगी. कौन क्या है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3.5 ये है, दोनों का प्लस करेंगे तो 15.5. तो यहाँ पर क्या रेडियस ऑफ कौन क्या हो जाएगा. रेडियस ऑफ कौन, कौन का रेडियस, इसको आर ले लेते हैं. कौन का रेडियस हमारे पास हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर कौन का रेडियस. और हाइट ऑफ कौन क्या है, एच ही है. हाइट ऑफ कौन एच मान इसको, इसकी हाइट टोटल हाइट 15.5 थी, उसमें से 3.5 15.5 में से मैंने माइनस करा 3.5 हमारा 12 सेंटीमीटर. ये कोन की हाइट हो गई. और क्या बोला हमें, और हमें हेमिस्फीयर का रेडियस चाहिए होगा. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी इस दोनों का रेडियस सेम है, तो इसको भी हम आर से डिनोट कर लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर. कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. टॉय का टोटल सरफेस एरिया चाहिए मेरे पास, यानी कि इसका बाहर बाहर का. और देखिए ये देखो हमें देखने में कुछ ऐसा दिखेगा. ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर ऐसा, और इसके ऊपर एक कोन आ गया ये. ठीक है. ये ऐसा कुछ दिखाई देगा टॉय हमारा. तो हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया इसका और इसका बाहर बाहर का, कोन का बाहर का. तो कोन का बाहर बाहर का क्या लगेगा, पाई आर एल. ठीक है. तो हमारे पास क्या लगेगा इसका, पाई आर एल. तो हमारे पास H तो है, R है, L नहीं है, तो L हम निकाल लेंगे. लेट स्लांट हाइट मान लेते हैं L. L माने ये हमारा H है, ये मेरा L है, ये R है. ठीक है. तो पाइथागोरस की मदद से हम लोग निकालेंगे. तो हमारा L, L स्क्वायर होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर. एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर. एल यहाँ क्या, ये ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर रूट में बदल जाएगा. और एच हमारे कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, और ये 3.5 का स्क्वायर. एल हमारा ये हो जाएगा हमारे पास 144 प्लस में 12.25 35 है 25 12. ठीक है, आ गया हो जाएगा 156.25. इसका हम निकालेंगे तो निकलेगा हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर. एल हमारा कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर. ये एल हमारा आ गया 12.5 सेंटीमीटर. अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, टॉय का टोटल सरफेस एरिया. तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास भाई, कौन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया बार बार का इसका. तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस में कौन का सरफेस एरिया और किसका, हेमिस्फीयर का. और हमारे पास आएगा
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2πr². ठीक है, आप सबकी वैल्यू लिख देते हैं, पाई की वैल्यू अगर कुछ ना बोली गई हो हमें क्वेश्चन में तो हम 22/7 रखते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर हमारे पास कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 3.5 हमारे पास, 3.5 इंटू में एल हमारा कितना लगा था 12.5 प्लस में 2 इंटू 22/7 इंटू आर ही जगह 3.5 इंटू 3.5 7×7=5 5/10 यानी कि ये इसका मिल रहेगा तो 11 को इससे करेंगे तो 37.5 प्लस में 7×7=35 एक हो गया, इसको इससे करेंगे तो ये हमारा जाएगा 5×10 इसको हटा के 10 कर लेते हैं, 5×7=5×10=2 11 77 ये हमारे पास आ गया 77। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 214.5 cm². ठीक है, एरिया मेरा किस में निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मेरा यहाँ पे क्या निकल गया, टॉय का टोटल जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना निकला 214.5 cm². क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 cm इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, वो कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास वो इस शेप में होगा, ये हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, ठीक है इससे क्यूबिकल है, क्या रहा है इसके ऊपर क्या रखा गया, हेमिस्फीयर रखा गया सरमाउंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हम मान लेते हैं ये हमारा हेमिस्फीयर आ गया, ठीक है ये इसके ऊपर रखा गया, कह रहा व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कह रहा जो हेमिस्फीयर है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, डायमीटर हमारे पास ये होता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर होता है पूरा, और ये इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर भाई इसके ऊपर ये यहाँ से यहाँ तक, अगर ये 7 cm है, ये अगर 7 cm है, कितना है ये 7 cm, तो हमारा जो डायमीटर है वो भी मैक्सिमम 7 cm हो सकता है, क्योंकि वो भी यहाँ से यहाँ तक हो सकता है 7 cm और यहाँ पे भी 7 cm होगा, तो मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा इसका 7 cm, यहाँ पर कितना होगा, तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 7 cm, हम इसको डायग्राम ही बना लेते हैं हमारे पास, ये हमारा डायग्राम हो गया, इसके ऊपर ये आ गया हेमिस्फीयर, एक सर्कल के शेप में ये आ जाएगा, ऊपर एक ऐसा आ जाएगा ऐसा करके ऐसे, ठीक है उसने क्या बोला था इसका मैक्सिमम डायमीटर, अगर ये 7 cm है, 7 cm तो डायमीटर भी उसका 7 cm ही होगा, कहीं से भी नाप लें हम लोग डायमीटर 7 cm ही होगा, और रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस हो जाएगा मेरे पास 7/2 यानी 3.5 कर लूँ या रेडियस कर लूँ मैं 7/2 रेडियस हो जाएगा, ठीक है, और उसने बोला इसका क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है सॉलिड का सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू, ये हमारा क्या है क्यूब, तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, टोटल लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब उसमें से जब हमारा ये टोटल सरफेस एरिया आ गया टोटल,
तो ये हिस्सा तो हमारा आएगा ही नहीं, ये वाला हिस्सा। अगर हम ऐसे ढक देंगे, अगर हमें सपोज बोला जाए कि भाई पेंट करना है, तो हमारा ये हिस्सा सर्कल वाला हिस्सा, ये वाला जो ढक गया इससे, ये तो आएगा ही नहीं इसके अंदर। ये ढक गया इसके अंदर, देखिए इसके अंदर ऐसे ढक गया, तो हमारा ये हिस्सा तो रहेगा तुम्हारा टोटल में, तो ये टोटल निकालेंगे तो हम ये भी काउंट हो गया, सारा काउंट हो गया, लेकिन इसमें से ये सर्कल वाला हिस्सा नहीं आएगा। देखेंगे तो हमारा सर्कल वाला हिस्सा जो इसके सर्कल बना होगा वो हिस्सा नहीं आएगा, तो हम माइनस कर देंगे क्या एरिया ऑफ इसका बेस कर देंगे, बेस ऑफ हेमी स्फीयर, एरिया ऑफ बेस हेमी स्फीयर, इसका बेस हो गया। और क्या प्लस कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है। अब हमारे पास देखें क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a² 6a यानी कि मेरा साइड स्क्वायर, ए की जगह मैं साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, साइड स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास क्या बचेगा, इसका एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ बेस, ये बेस का एरिया, इसमें क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखो ये हमारा काउंट नहीं होगा ना, ये मैं माइनस कर रहा हूँ, ये जो सर्कल से, ये जो ढक गया इसके ऊपर सर्कल से, ये सर्कल ढक जाएगा इसके अंदर, ये हिस्सा तो आएगा ही नहीं, ये वाला हिस्सा, ये तो ढक गया इसके हिस्सा इसके साथ, तो इसको मैंने माइनस कर दिया पाई आर स्क्वायर। प्लस में क्या जुड़ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया बार बार का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये पाई स्क्वायर है, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, ये हो जाएगा 6, साइड हमारा क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर, ये मेरा हो जाएगा प्लस में पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर बच गया। अब वैल्यू कर देते हैं, 6 × 7 × 7 प्लस में 22/7, आर मेरा कितना था 7/2 × 7/2, दोनों वैल्यू रख दी, आर मेरा 7/2 था ना इसका रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर, यहाँ से 7 से 7 कट गया, 2 × 2 = 11, तो ये मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 294 प्लस में ये हो जाएगा 77/2, 2 × 3 = 16, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा ये, इसको प्लस कर लेंगे, अच्छा बता सर 1 × 10 = 3 3 2.5 cm², ठीक है। जो मेरा एरिया ऑफ सॉलिड बना वो कितना बचा, 3 3 2.5 cm², तो मेरे पास इसलिए मेरे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बन गया मेरे पास, इस 3 3 3 3 3 2.5 cm², ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं मुझसे।